Hi everyone, welcome back to the accountancy class. So in this video, we will understand the meaning of basic accounting terms. Jaise capital, capital ka meaning kya hota hai? Business ke liye kaun kaun se assets hote hain? Liabilities kise kehte hain? Right? To ye sare terms ka meaning ko samjhenge. To start karte hain. Let's start with the first term. So the first term is capital. Capital kise kehte hain? Let's understand this with the help of an example. Right, एक example लेते हैं कि there is an individual जिनका नाम है मुकेश. Right, तो मुकेश ने क्या किया? मुकेश wants to start a business. उनको एक business start करना है. Business start करने के लिए हम सबको पता है, to start a business आपको कुछ amount initially क्या करना पड़ता है? Invest करना होता है. कुछ amount आपको initially business में लगाना पड़ेगा जिससे आप business start करो. आपको कुछ मशीनरी परचेज करनी है या कुछ भी, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. राइट, तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है. तो फॉर एग्जांपल मुकेश ने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो जो ये इनिशियली अमाउंट मुकेश ने इन्वेस्ट करे हैं, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल. तो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर. अब जो ये मुकेश है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर. तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या होगी? कि कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज. जो भी अमाउंट मुकेश ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया इज कैपिटल. वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है या कोई मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी. और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कुछ भी इन्वेस्ट किया है, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल. राइट, नाउ द सेकेंड टर्म है ड्रॉइंग्स. नाउ द सेकेंड टर्म इज ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स क्या होता है? कि जैसे हमने अभी कैपिटल में देखा था कि मुकेश ने 1,00,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे. राइट, अब क्या हुआ? मुकेश को अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना है, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना है. तो मुकेश क्या करता है? अपने बिजनेस में से ही ₹10,000 विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है. तो जो ये ₹10,000 मुकेश ने विड्रॉ करे हैं, वो किस लिए करे हैं? अपने पर्सनल पर्पस के लिए करे हैं. राइट, तो इस 10,000 को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स. तो जो अमाउंट प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स. एसेट्स क्या होते हैं? तो बिजनेस के वैल्यूएबल रिसोर्सेज जिससे आगे बिजनेस को कुछ बेनिफिट मिलता है, उसे हम बोलते हैं एसेट्स. क्या? जो बिजनेस के क्या होते हैं? जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिससे आगे बिजनेस करने में हेल्प होती है, जिससे आगे बिजनेस को कुछ बेनिफिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स. राइट, अब एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज नॉन करेंट एसेट्स एंड द सेकेंड वन इज करेंट एसेट्स. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेरे नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो मैं रीसेल के पर्पज से परचेज नहीं करता, बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के पर्पज से परचेज करता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ बिल्डिंग ली, जो जैसे मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, मैंने कुछ फर्नीचर, कुछ मशीनरी परचेज करी, तो मैं इनको रीसेल के पर्पज से परचेज नहीं करता. इनको मैं क्यों परचेज करता हूँ? लॉन्ग टर्म में यूज होंगे बिजनेस में, बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, आगे बिजनेस करने में मेरे को हेल्प करेंगे. राइट, लॉन्ग टर्म यूज, उन्हें हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स. एंड द सेकेंड वन इज करेंट एसेट्स. करेंट एसेट्स कौन से होते हैं? करेंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनको मैं नॉर्मली विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब रीसेल कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ विद इन 1 ईयर. एक साल में उनको सेल किया और कैश में कन्वर्ट कर लिया, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स. ठीक है, जैसे करंट एसेट्स के एग्जांपल कैसे हुए? जैसे स्टॉक होता, जो आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा होता, तो वो आप लॉन्ग टर्म में यूज तो नहीं करोगे. आपके पास स्टॉक पड़ा, आप क्या चाहोगे? उसको बेचो और कैश में कन्वर्ट करो. तो जो आपका स्टॉक होता है वो आपका क्या होता है? करंट एसेट्स. ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स को भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे मुकेश का बिजनेस था. राइट, हमने एक एग्जांपल लिया था मुकेश का. तो मुकेश का जो बिजनेस था, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी लॉन्ग टर्म के लिए,
जैसे उसने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज करे और कम से कम वो एक साल तक तो उनको नहीं सेल करने वाला, कम से कम एक साल तक उनको नहीं बेचेगा। तो उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो लॉन्ग टर्म के लिए करी है, उसने इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और अगर मैं बात करता हूँ फिक्स्ड एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट मतलब वो वाले एसेट जो बिजनेस लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए परचेज करता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिजनेस ने परचेज करे, बिजनेस रन करने में ये हेल्प करेंगे, राइट? तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज टैंजिबल एसेट्स एंड द सेकेंड वन इज इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स एंड द टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो वाले एसेट्स जिनको मैं देख सकता हूँ, जिनको मैं टच कर सकता हूँ, दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनको मैं देख सकता हूँ, इनको टच कर सकता हूँ, राइट? तो उनको हम बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स। वेयर एज इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको ना तो मैं देख सकता हूँ, ना मैं टच कर सकता हूँ, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के लिए क्या होते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन, ना मैं देख सकता हूँ ना टच कर सकता हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, राइट? पेटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स तो है, लेकिन क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ, नहीं। क्या मैं इन्हें टच कर सकता हूँ, नहीं। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है, अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ, तो लायबिलिटी मीन्स बिजनेस पे जो कर्जा होता है, जो बिजनेस के लिए बर्डन होता है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे हम मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुकेश को बैंक से लोन लेना पड़ा, मुकेश को अमाउंट कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मुकेश ने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया रुपीज़ 50,000 का। अब ये 50,000 क्या है, 50,000 जो मैंने अपने बिजनेस, जो मुकेश ने बिजनेस के लिए लिए हैं, वो क्या होगा, वापस करने पड़ेंगे, मुझे रीपे करने पड़ेंगे। तो मुकेश के बिजनेस पे ये क्या है, एक तरह से बर्डन है, कर्जा है, जो मुझे वापस करना है, रीपे करना है, राइट? तो ये 50,000 को मैं क्या बोलूँगा, लाइबिलिटी। क्लियर है? नाउ लाइबिलिटी कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, जैसे जो ये बैंक से लोन लिया था मुकेश ने, अगर ये लोन 50,000 का जो लोन है, अगर मुकेश को एक साल के अंदर अंदर, विद इन नेक्स्ट वन ईयर, अगर मुकेश को पे करना है, नेक्स्ट वन ईयर में अगर पे करना है, तो वो मुकेश के लिए क्या होगी, करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर ये लोन आपको मुकेश को दो तीन साल में पे करना है, मतलब एक साल के बाद पे करना है, आफ्टर वन ईयर पे करना है, उसे हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, राइट? क्लियर, राइट? सो द नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। अब गुड्स क्या होते हैं, कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मुकेश, जो हमारे एग्जांपल में मुकेश था, ठीक है, अब मुकेश बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस किस चीज़ का, मुकेश गम प्रोड्यूस करने का, वो एक मुकेश गम प्रोड्यूस करता है जो स्मोकिंग को क्विट करने में हेल्प करती है, ठीक है? तो अब क्या करता है मुकेश इस गम को प्रोड्यूस करता है, सेल कर देता है, तो उसका बिजनेस किस चीज़ का, कि गम को प्रोड्यूस करना और सेल कर देना। तो यहाँ पे मुकेश गम मुकेश के लिए क्या है, गुड्स, ठीक है? तो कोई भी, तो बेसिकली गुड्स का मीनिंग क्या हो गया, कि जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, जिसको आप प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो, या जिसको आप परचेज करके रीसेल कर देते हो, उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है? तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर सेल पर्पस, ठीक है? ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज रिसीट्स, ठीक है? तो रिसीट्स क्या होता है, रिसीट्स का मीनिंग क्या होता है, कि रिसीट्स मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो मुझे अमाउंट रिसीव हो चुका है या अभी आगे जाके मुझे वो रिसीव हो जाएगा, फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स को सेल करने से जो मुझे अमाउंट रिसीव होता है या अभी रिसीवेबल है, मतलब आगे जाके रिसीव हो जाएगा, उसे मैं कहता हूँ रिसीट्स, राइट?
तो रिसीट्स को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल रिसीट्स. तो जो अमाउंट मुझे रिसीव होता है गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से, जो जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ अगर मैं उसको सेल करता हूँ, ठीक है, उससे जो मुझे अमाउंट रिसीव होता है उसको मैं बोलता हूँ रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है. और जो कैपिटल रिसीट्स होता है, जो आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिसका आप बिजनेस नहीं कर रहे, जो आपने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए परचेज किए थे, अब अगर आप उसको कुछ टाइम बाद जाके सेल करते हो, उससे जो आपको अमाउंट रिसीव होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स, ठीक है. तो जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब गुड्स और सर्विसेज, अगर आप उसे सेल करते हो तो वो है आपका रेवेन्यू. आप उसको रेवेन्यू बोलो या रेवेन्यू रिसीट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है. और जो एसेट्स हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो मेरे कैपिटल एसेट्स होते हैं, अगर मैं उनको सेल करता हूँ और मुझे उनसे कोई अमाउंट रिसीव होता है या फिर रिसीवेबल है या फिर मुझे आगे जाके रिसीव हो जाएगा, उसे मैं बोलता हूँ कैपिटल रिसीट्स. क्लियर है? सो द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर अगर सिंपल बोलें तो खर्चा, राइट. तो जो भी बिजनेस कोई खर्चा करता है, अमाउंट स्पेंड करता है कोई गुड्स परचेज करने के लिए, कुछ सर्विसेज या फिर कुछ एसेट्स परचेज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, राइट. एक्सपेंडिचर को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे रिसीट्स को किया गया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जब मैं गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता हूँ, जो मेरे डेली, जो यू नो बिजनेस में जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, उनको मैं क्या बोलता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और जो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जब मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ, जब मुझे बिजनेस को कुछ ग्रो करना होता है, जब मैं वो एसेट्स, जो मशीनरीज हैं, जो फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, जब उनको मैं परचेज करता हूँ, उनके लिए जो मैं खर्चा करता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. ओके, सो आई होप गाइस आपको ये जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स जो आज हमने डिस्कस किए उनके मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट, समझ में आ गए होंगे. तो कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अकाउंटिंग टर्म्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.